हेलो दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के आने वाले एग्जाम्स के बारे में और कट ऑफ के बारे में। कुछ हम तीन रीजंस बताएंगे क्यों इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगा। तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको अगर जो आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आपको यूपीपी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो तीन रीजंस हैं जो एकदम ऐसा नहीं है कि मैं बनाया हुआ रीजंस है और सही रीजन है, आप खुद मानेंगे वीडियो को देखने के बाद कि हाँ ये रीजंस हो सकते हैं कि यूपी पुलिस जो भर्ती की जो 49,568 पदों पर जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस पे मिलने वाली है। देखिए, अगर जो आपको यूपीपी एग्जाम्स के लिए या फिर आरपीएफ जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेना है तो एक पीडीएफ आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा, 10 प्रैक्टिस सेट जिसमें है, जिसमें जीके जीएस के जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको 50-50 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और ऑनली सिर्फ ₹25 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ ₹25 में आपको लगभग 700 से 800 प्रश्न मिल रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। तो जाइए उसको डाउनलोड करिए और बताइए मुझे कॉमेंट करके कैसा है कैसा नहीं है। देखिए, मैंने इसको जल्दी जल्दी में बना लिया था और इसीलिए पेन से लिखा हुआ लग रहा है और मैंने स्लाइड नहीं बनाया, तो आप लोग थोड़ा बुरा मत मानेगा जो भी रीजन्स है, स्पेसिफिक रीजन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस का कट ऑफ क्यों जाएगा। रीजन सबसे पहले हम जानते हैं कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन रहना है, उसको हम देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, आपको पता है 49,568 के समथिंग वैकेंसी, हम उसको मान लेते हैं 50,000। कितना? 50,000 वैकेंसी मान लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्म अप्लाई हुए हैं, आपको पता है कितने? 22 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आपको पता होना चाहिए टोटल 26 लाख फॉर्म भरे गए थे जिसमें इसके पहले वाले एग्जाम में, ठीक है, और उसमें कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो आंकड़ा आ गया था 24 लाख। 24 लाख में से क्या हुआ था, एग्जाम बच्चों ने छोड़ा था कितने? 6 लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, तो आंकड़ा कितना आ गया था? 18 लाख। मतलब आप जानते हैं कि लगभग फॉर्म 24 लाख ही मान लीजिए, 24 लाख फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम दिया बच्चों ने 18 लाख, मतलब 6 लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था। तो उस आंकड़े को भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा हम कम रखेंगे, रेशियो को कम करेंगे कि मतलब कम बच्चे ने एग्जाम छोड़ा। तो बात करें इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी में अगर जो हम बात करें इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो इस वैकेंसी में बात करें तो 22 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अगर जो हम 22 लाख से हिसाब से देखें तो एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है? 44। मतलब एक सीट के लिए 44 बच्चों में कंपटीशन है। तो कंपटीशन हम नहीं देखते, हम कितने फॉर्म भरे हैं इसको देखते हैं, बाद में हम देखेंगे क्या होगा। अब देखें, टोटल 22 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए। अब हम मान लेते हैं 22 लाख में 1 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो तो होना ही है, बहुत सारे बच्चों ने एरर्स किया है, गलतियाँ की है, और बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में कुछ, ये सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ निकल के आएंगी वो आपका डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट में गलतियाँ निकल के आएंगी। तो मान लीजिए 1 लाख रिजेक्ट हो गया तो 22 में बचा 21 लाख। अगली बार बच्चों ने 6 लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, इस बार मान लेते हैं हमारा 3 लाख बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे, तो हमारा 21 से 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 18 लाख के समथिंग आएगा। तो हम मान लेते हैं 17 से 18 लाख ही हम आंकड़ा मान लेते हैं, 18 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 17 से 18 लाख मान लेते हैं, वैसे 17 के समथिंग रहेंगे, 16-17 लाख, इतना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जो पिछले हिसाब से हम देखेंगे, जो भी होता है, जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं वो पिछले एग्जाम्स को ध्यान में रख के चीज़ें निकाली जाती हैं, तो हम मान लेते हैं 17-18 लाख बच्चे देते हैं। अगर जो 18 देते हैं तो जो कंपटीशन रह जाता है 1/36 का रह जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप कहेंगे कि उस बार भी सर 18 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इस बार भी पेपर 18 लाख लोगों ने ही दिया, तो फिर कंपटीशन कहां पे कम रहने वाला, तो उसको भी हम देखेंगे। तो कंपटीशन कैसे कम होने वाला देखते हैं। आपको पता है जो एग्जाम्स डेट आए हैं कांस्टेबल के, वो 27-28 के समथिंग एग्जाम के डेट पड़े हैं, तो 27-28, ठीक है। अब बताइए एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम डेट पड़े हैं आपके 21 से 23 को, एसएससी जीडी की भी फरवरी में एग्जाम शायद होने हैं, प्लस इसमें देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं यूपीपी एग्जाम्स में और वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करके रखे हैं और वो लोग अभी रिवाइज नहीं कर रहे हैं या फिर तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग रेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सारी चीज़ों में बिजी हैं, वो लोग निश्चिंत हैं, वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। जाहिर सी बात है, जो लोग एएलपी सीबीटी 1 निकाल चुके हैं वो लोग चाहेंगे
हम यूपीपी के चक्कर में न पड़े और वो लोग अपना एएलपी की तैयारी करेंगे सीबीटी 2 के लिए। क्योंकि बात करें, आपको पता होना चाहिए कि सीटें टोटल 60,000 है और बच्चे कितने, लगभग 1,000,000 बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मौका मिल जाता है एएलपी वालों के लिए कि वो थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से वो क्वालिफाई कर जाए। अब बात करें ALP CBT 2 और UPP के एग्जाम्स के बारे में, ऐसा है नहीं कि आप ALP CBT 2 का पढ़ रहे हैं और UPP में भी वो चीज़ें आ जाए। अगर जो वीडियो का होता तो चल जाता, चलो ठीक है सिलेबस वही है, सिर्फ मैथ अलग है, लेकिन ALP CBT 2 का सिलेबस एकदम डिफरेंट है और UPP का एकदम डिफरेंट है। सिर्फ मैथ वेथ हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट है। SSC GD वाले बच्चे GD की तैयारी कोचिंग कर रहे होंगे तो GD का हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन अब इसमें ये तीन रीजन्स हो जाते हैं और जो हमारे तीसरा रीजन है वो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो उतना रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। और ये तीन मुख्य रीजन्स थे जिसके कारण आपका हो सकता है कट ऑफ, हो सकता नहीं 100% मैं कहूँगा कट ऑफ कितना जाएगा, कितना कम जाएगा, और मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा कितना कट ऑफ कम हो सकता है। तो गोल्डन चांस है, ये मौका हाथ से आपको जाने नहीं देना है। चलिए एक मोटिवेशनल हम बोल देते हैं, एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, उसके द्वारा लिखी नहीं गई है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह। कुल मिला के यही कहना चाहूँगा, इस गोल्डन चांस को खोना नहीं है। और आराम से आप, अगर जो गर्ल्स की बात करें तो देखिए, अब मैं कटाप बता देता हूँ पहले, तब आगे हम पढ़ेंगे लाइन को। चलिए कटाप देख लेते हैं कितना जा सकता है। मैं एक कटाप बता रहा हूँ जनरल का, बॉयज़ के लिए 226 गया था आपको पता है, इस बार हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ना रहे तो 210 इस बार जनरल का कट ऑफ जाएगा मेरे हिसाब से, और है ये 100% कंफर्म है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 210 बहुत कम कह सकते हैं और इसी हिसाब से आपको तैयारी कर, लड़कियां सुन लो, लड़कियों का कट ऑफ की बात करें तो 190 से 95, आप 195 लाओ, 195 कोशिश करो, 200 का टारगेट बनाओ, 200 से कम हमको नहीं लाना है। इतने पे आप जनरल कैटेगरी की हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इस बार का जो 182 गया आपको पता है, लास्ट जो सेकंड मेरिट लिए 182 लड़कियों के लिए गया है, लेकिन आप 200 ले आओ 100% सिलेक्शन के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हो। बॉयज़ के लिए 210 प्लस जाने की कोशिश करो, वैसे जो कट ऑफ रहेगा 210 के आसपास ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप पूछोगे OBC SC ST बता दीजिए, तो OBC SC ST आप इसी हिसाब से 5 नंबर कम करके बताइएगा, ज़्यादा कम मत करिएगा, ठीक है, 5 नंबर इधर उधर कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। तो ये तो हो गया कट ऑफ की बात, ठीक है 100% सिलेक्शन के लिए। तो मैं बोल रहा था, सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, मतलब ये मौका आपके कदमों में है और इसको आप जाने नहीं देना है और इसको लपक लेना है झट से, ठीक है। क्योंकि तीन रीजन्स बताएं जो एकदम स्पेसिफिक रीजन है जिसके कारण आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। और भी इसमें लाइन है और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि समझने वाले जो बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, इस मौके को वो खोना नहीं देना चाहेंगे। आपको देखो, अगर जो आपने तैयारी किया होगा तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैंने बोला सिर्फ डेली एक प्रैक्टिस सेट कोशिश करी, 100% एक प्रैक्टिस सेट पूरा टाइम टू टाइम लगाओ, प्लस आप हिंदी को रिवाइज करते रहो, हिंदी में कोशिश करो। 37 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 37 में 35 तो 100% सही करके आना आपको। रीजनिंग में कोशिश करो, 37 आ रहे हैं तो रीजनिंग में भी 30 प्लस करके आना है, ठीक है। 37 नहीं आएंगे वैसे, रीजनिंग में कम से कम 50 से 54 प्रश्न रहेंगे, और मैथ में भी 100% नहीं, कम से कम 80%, मतलब अगर जो मैथ से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम 20 तो सही करके आओ, क्योंकि GK GS का कोई भरोसा नहीं रहने वाला। GK GS कहाँ से पूछेगा, अगली बार में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ठीक है, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। प्लस कुछ चीज़ें हैं जो GK GS में आप तैयार करके 15 से 20 प्रश्न आराम से कंफर्म कर सकते हैं 100%। क्या है, UPGK आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, प्लस वर्ल्ड और इंडिया का करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस UPGK आप पढ़ के आसानी से 100% 15 प्रश्न तो GK का खत्म ही कंप्लीट ही कर सकते हैं। प्लस हो सकता है आपको हिस्ट्री से 2 प्रश्न आपका आ जाए, वो कर लीजिए,
ज्योग्राफी से दो प्रश्न आप कर लीजिए, तो इस प्रकार से 25 से 30 नंबर भी आप जीके में ले आते हो तो बहुत अच्छा कहते हैं उसको, मतलब बहुत अच्छा कह सकते हैं। टारगेट यही रहे कि हाँ 20 प्लस आप जीके में करो तो 100% सिलेक्शन। देखो कैसे मेरे हिसाब से आप देखो हिंदी में अगर जो देखो मैं बता देता हूँ कैसे आपका 210 आएगा, हिंदी रीजनिंग मैथ और जीके। तो देखिए एक हिसाब से देखिए हिंदी में आपको 35 करके आना है, करके आना है, ये नहीं कि हाँ जो चीज़ें कमी रह गई हैं संज्ञा सर्वनाम अभ्यय जहाँ पे भी प्रश्न छूट रहे हैं वो लोग मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। रीजनिंग में आपको 30 करके आना है, वैसे 30 नहीं आएगा हम मैथ वाला भी क्योंकि रीजनिंग आपको पता है 50 प्रश्न समथिंग रीजनिंग में पूछे गए थे, मैथ रीजनिंग दोनों ऐड कर देते हैं तो जो भी आएगा उसमें आपको कम से कम 25 तो करके ही आना है, 25 कम से कम मैं ले रहा हूँ। जीके जीएस की बात करो 37-38 प्रश्न अगर जो जीके जीएस से पूछे आते हैं तो 20 इसमें तो मिनिमम 20 करके ही आना है। तो अगर जो हम इसको जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है 0, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11 110 मतलब आपके 220 नंबर कन्फर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मेन आपको किससे दूर रहना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा टारगेट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, डेली दो प्रैक्टिस सेट लगाइए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको पूरा कंप्लीट करा दो वीडियो के माध्यम से। और चलो अच्छा बस इतना ही बातें करते थे, आप लोग कहोगे सर जी टाइम वेस्ट कर दिया कर दिया, और आशा है जो लोग यूपी पुलिस का एग्जाम भरे होंगे फॉर्म भरे होंगे वो लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।